हेलो, मेरा नाम ममता शर्मा है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड टाइम आया था तो मैं कैसा महसूस कर रही थी। तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम पीरियड आया तो मैंने मम्मा को बताया इसके बारे में, तो मम्मी ने मुझे समझाया कि ये हर लड़की के जीवन का एक पार्ट है और हर लड़की का ये होना ही होता है, पर मंथ होता ही है। जैसा कि मम्मी ने बताया, फिर बाद में रेगुलर नियम से पर मंथ मुझे पीरियड्स आने लगे और उस दरमियान मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, किसी से बात नहीं करना, पूरे दिन उदास रहना, ऐसे ये बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तब मम्मी ने बताया था कि पहले जब पैड्स वगैरह इतने चलते नहीं थे, बहुत कम चलते थे, लेकिन स्कूल में जब जाते थे तो मम्मा ने समझाया है कि हमें पैड्स यूज में लेने चाहिए, कपड़ा काम नहीं दे पाएगा। और इस तरह पर मंथ ये झेलना ही होता है, डिलीवरी से पहले भी, बाद में भी, शादी के पहले भी, बाद में भी, यहाँ तक कि लेडीज 50 साल की हो जाती है जब तक भी। लेकिन इसमें हालत तो बहुत ख़राब होती है, ये तो है, एक तरह से जीवन का एक हिस्सा इसी में चला जाता है हमारा, ये सब कुछ सहन करने में। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लड़कियों को भगवान शक्ति दे ये सब कुछ सहन करने की। बस।